भगत की कोठी से जालौर होते हुए साबरमती के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर सिरोह सांसद देवजी एम पटेल, जोधपुर शहर की महापौर घनश्याम ओझा व मनीषा पवार द्वारा सुबह 9 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। अमरावती में शुक्रवार को धारणी में शाह की सभा, देश के गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आगामी शुक्रवार 11 अक्टूबर को धारणी में जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है। धारणी में होने वाली गृह मंत्री की सभा में जिले के सभी युवती उम्मीदवार उपस्थित रहेंगे। ऐसे ही 10 से 12 अक्टूबर के दौरान बीजेपी का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें पालक मंत्री से लेकर मुख्य नेताओं का भी सहभाग रहेगा। नुक्कड़ सभाएं लेने के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन और अन्य उपक्रमों से प्रचार पर जोर रहेगा। इसी बीच मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं। मावसकर की जोरदार तैयारी, मेलघाट से इस बार अफसर से राजनेता बने रमेश मावसकर भाजपा के उम्मीदवार हैं। देश के गृह मंत्री को पहली जनसभा अपने क्षेत्र से आयोजित कर मावसकर ने अपनी पहुंच का पहले स्ट्रोक में ही एहसास करा दिया है। शरद पवार को हमेशा के लिए राजनीति से रिटायर कर दूंगा, ऐसा चंद्रकांत पाटिल ने दावे से कहा है। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से चुनाव लड़ रही सुप्रिया सुले को हराने चंद्रकांत पाटिल ने जहां पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं भाजपा के उम्मीदवार को पराजित होने से चंद्रकांत पाटिल नहीं बचा पाए थे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पाटिल के घर लड्डू भेजकर तंज कसा था, उस दौरान पवार और चंद्रकांत पाटिल के बीच जुबानी जंग कसा था। जब पवार ने कहा था कि हिम्मत है तो वे चुनाव जीत कर दिखाए, ये वही पवार के पुणे गढ़ को भेजने भाजपा ने, जहां चंद्रकांत पाटिल को पुणे का पालक मंत्री बनाया था, तो दूसरी तरफ कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पवार को खुली चुनौती भाजपा ने दी है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।